हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तो बस अभी जो है सुबह का टाइम हो रहा है, 10 बज गए हैं। और अभी अभी हमारा नाश्ता वगैरह हुआ है, क्योंकि जब बेटू जाती है, आपको पता है, उसके बाद ही मैं नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। और मम्मी के लिए जो है दलिया बना रहा है, तो दलिया बन रहा है दाल का, और कॉफ़ी वगैरह उन्होंने पी ली है, मेडिसिन भी ले ली है। और फिर नाश्ता करती हूँ, उसके बाद की अलग रहती है उनकी। तो आज क्या है, आज मम्मी की तबीयत जो है थोड़ी सी ख़राब सी है, क्योंकि जब से ही उठी हैं, जब से ही मतलब बोल रही हैं कि गैस बन रही है। और एक बात ये भी है कि जब से मम्मी का ये ऑपरेशन हुआ है ना, मतलब आप लोग और कुछ बोलते हो उसको, हम लोग अपनी भाषा में ऑपरेशन बोलते हैं उसको, तो सॉरी, क्योंकि हमारी जो भाषा है और हमको जैसे समझ में आता है वैसे बोल देते हैं हम। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि वो ऑपरेशन नहीं है उसको, मैं मतलब बोल भी रही थी लेकिन अभी माइंड में से निकल गया है, तो आप लोग समझ लेना क्या है। तो जब से ये हुआ है ना, जब से ही मम्मी 2 दिन मतलब सही रहती है, और फिर ऐसे ही उनकी हालत होने लगती है, कभी गैस बनने लगती है, कभी खांसी हो जाती है, और मतलब ही ऐसे ही है, ज़्यादा ठीक नहीं है, बोल सकते हैं तो ज़्यादा ठीक नहीं है। वैसे हम लोग उनको तसल्ली के लिए कहते रहते हैं कि ठीक हो तुम, लेकिन फिर भी अपना देख के पता चलता है कि कैसी हालत हो। लेकिन आज तो जो है कुछ ऐसी ही लग रही है, आज कुछ उनकी तबीयत सी खराब सी ही लग रही है। तो बस अभी मैं जा रही हूँ नीचे, और ये घर पे ही है, क्योंकि मम्मी की हालत सही नहीं लग रही है, तबीयत ठीक नहीं लग रही उनकी, तो इसलिए रुके हुए हैं। और इन्हू जो है इनके पास ही खेलेगी, और मैं जाते हैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। तो बस वही मम्मी से बात बात भी करती रहूँगी और खाना बनाती रहूँगी, क्योंकि बात जब हम मरीज से बात वगैरह करते रहते हैं ना, तो दिल जो है मतलब बिजी रहता है, मन दिमाग, मन अगर अकेला लेटा रहे तो माइंड जो है कहीं कहीं चलता है। तो इसलिए मैं खाना बनाती रहती हूँ, और उधर ही किचन से मतलब उस कमरे में आ जाती हूँ, मम्मी से बात करती जाती हूँ, फिर उधर चली जाती हूँ, तो ऐसा चलता रहता है। तो बस अभी मैं नीचे जाती हूँ, और कॉफ़ी वगैरह तो उन्होंने पी ली थी, तो बस उनका दलिया देती हूँ, फिर मैं अपने खाने की तैयारी करती हूँ। और आज देखती हूँ क्या क्या बनाती हूँ, अभी कुछ पता नहीं है, जो भी फ्रिज में होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़्यादा दिन से रखी हुई हैं। वैसे कुछ चीज़ मैंने सोच भी रखी हूँ, मैं बता भी देती हूँ, क्योंकि हम लेडीज़ लोग जो है रात में ही प्लानिंग कर लेते हैं क्या बनाना है, क्योंकि फ्रीज में क्या है, कभी कभी कोई सब्जी ऐसी रख लेती है जो हमें नहीं बनाना हो फिर भी बनाना पड़ती है, क्योंकि वो ख़राब होने का डर रहता है। तो ऐसे ही एक बैंगन रखा हुआ है जो हमारे खेत से आया था, खेत से तो जो है 4-5 बैंगन आए थे, लेकिन हमने बांट दिए, जिनको देना थे उनको दे दिए हैं। तो बड़े वाले बैंगन आए थे जो भरते के रहते हैं ना, वो वाले, तो उसमें से सिर्फ मैंने एक ही बचाया था, क्योंकि खाने वाले कोई है नहीं है इतने, और हम 3 जने खाना खाने वाले हैं, और मम्मी तो खाती नहीं है कुछ भी, मतलब तो दाल वगैरह ही खाती है, तो इस वजह से मैंने सिर्फ एक ही रखा है, वो सारे बांट दिए थे। तो एक बैगन वो रखा है, तो वो 4-5 दिन से रखा हुआ है, अगर ज़्यादा रखूँगी तो ख़राब हो जाएगा। और वो रखी है गाजर, गाजर रखी है, तो गाजरों का क्या है, गाजर कम से कम जो है 5 से 6 दिन हो चुके हैं, तो मैं उनको एक एक करके मतलब सब्जी वगैरह में और बच्चों की खिचड़ी वगैरह में ऐड कर रही थी, लेकिन अब क्या, मैं मुझे लग रहा है कि वो ख़राब ना हो जाए, क्योंकि ज़्यादा देर रखेंगे सब्जियों को तो ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि गाजर का हलवा बना देती हूँ, क्योंकि दूध भी बच रहा है, तो बस इसलिए गाजर का हलवा बनाऊँगी। और जो बनाऊँगी बैंगन का भरता, तो 2 चीज़ तो है। और मम्मी से पूछती हूँ मम्मी क्या खाएंगी, दाल खाएंगी या फिर लौकी खाएंगी, तो उनसे वो पूछ कर बनाऊँगी। तो अभी पहले नीचे चलते हैं, काम कर लेते हैं अपना। तो बस अभी दोपहर का टाइम हो गया है, और मम्मी की जो है तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रही है, तो इसीलिए ये ले आ रहे हैं डॉक्टर के, डॉक्टर्स को ये देख कर आए हैं, बात करके आए हैं, और कोटा वाले डॉक्टर से ही बात की है, उन्होंने ही बताया, तो ये देख कर आ गए हैं। और साथ ही में जो है ऑटो ले आए हैं, तो पापा और मम्मी जाएंगे ऑटो से, और ये बाइक से चली जाएंगी। तो मम्मी जो है सुबह की उपकाई आ रही है, उसके साथ साथ जो है चक्कर आ रहे हैं, तो इसलिए ये पकड़ के ले जा रहे हैं मम्मी को। और मैं अब जो है बाहर की साइड आ गई हूँ, इधर ऑटो खड़ी है, ये ऑटो साथ में ही लेकर आ गए थे, डॉक्टर देख कर आए थे, तो उधर से ही ऑटो ले आए थे, जिससे क्या जल्दी पहुँच जाए, और बाइक से ले जा नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको चक्कर भी आ रहे हैं साथ ही में, तो इसलिए बाइक वगैरह से नहीं ले जा रहे हैं, ऑटो जो है सेफ रहेगी। तो मम्मी की ऐसी हालत देखकर जो है ऑटो वाले भैया भी जो है बाहर निकल आए थे उनको पकड़ने के लिए, तो बस मम्मी को भी बैठ डाल दिया है, और पापा बैठ गए हैं उसमें पहले ही, तो मम्मी और पापा जो है उससे ही चले गए हैं, और ये चले जाएंगे बाइक से। तो
बस अभी हो गया है टाइम, 1 बज गया है दोपहर का, और खाना जो है बन गया है। आज मैंने जो है ऐसे तैसे खाना बनाया है बहुत परेशानी के साथ, और एक तो मैंने इतनी सारी चीज़ें बनाने लग गई और फिर जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती, क्योंकि इधर तो इनाया है और फिर दूसरी साइड जो है मम्मी की इतनी तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि खाना उस टाइम पर तो मैंने बिल्कुल बंद करके रख दिया था, मैंने कि बन जाएगा, क्योंकि इंसान सही होता है तो मन करता है सारी चीज़ें बनाना। मुझे ये नहीं पता था कि मम्मी की हालत इतनी बिगड़ जाएगी और उनको इस तरह से हॉस्पिटल ले जाना पड़ जाएगा। तो उस टाइम पर तो जो है मैंने बंद करके रख दिया था, सिर्फ मम्मी के पास ही बैठ गई थी और फिर फौरन जो है कोटा वाले डॉक्टर से बात की, और फिर उसके बाद उन्होंने बताया ये वाला डॉक्टर ऐसे, क्योंकि ये दिमाग ख़राब होता है ना कि ट्रीटमेंट चल रहा है कोटा का और फिर यहाँ पे तबीयत ख़राब हो और फिर हम किसी और डॉक्टर के लिए जाएँ, तो फिर मतलब अलग अलग ट्रीटमेंट चेंज हो जाते हैं, मेडिसिन वगैरह, तो वो भी डर लगता है। तो फिर इसलिए थोड़ी देर के लिए तो यही दिमाग ख़राब हो गया था कि अब क्या करें, क्योंकि उनकी तो ये प्रॉब्लम हो रही थी कि उनको खांसी मतलब सूखी उल्टी आ रही थी, तो उसकी वजह से जो है उनको बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब हमें पलटी वगैरह कुछ भी होता है तो कितनी ताकत लगती है, और फिर वो तो मतलब ऊपर से तो कमज़ोर, और दूसरी बात उनको सूखी आ रही है, और फिर पेट में भी कुछ नहीं, क्योंकि मैंने जब दलिया बनाया था उन्हें 2-3 चम्मच दलिया लिया, और उसके बाद ही जो है इतनी तेज़ से जो है उनको पलटी जो है आने लगी, लेकिन पलटी नहीं हो रही थी सिर्फ सूखी, और उस चक्कर में उनके पूरे जो है पसली वगैरह में भी दर्द होने लगा और बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो गई थी और पसीना वसीना आने लगा। तो उस टाइम के लिए तो हम लोग इतने डर गए थे बहुत ज़्यादा। तो वो तो ये कि वो कोटा वाले डॉक्टर की जो है वहाँ से मतलब यहाँ पर पहचान है, जो डॉक्टर है उनकी मतलब जानने वाले हैं, तो इन्हों यहीं पर है, तो उन्होंने उनसे बात की थी, तो फिर उन्होंने बता दिया था कि उनसे मैं बात कर लूँगा और जो ट्रीटमेंट जो है मैं बोल दूँगा तो वो उस हिसाब से दे देंगे। तो बस वहीं पर ले गए हैं, और अभी अभी आए थे ये डायबिटीज़ की गोली वगैरह लेने के लिए, जो भी उनकी डायबिटीज़ की मेडिसिन है ना वो लेने के लिए, क्योंकि फिर उस चीज़ के हिसाब से वो बताएंगे क्या लेना है, तो बस वही लेने आए थे, तो अभी लेके चले गए हैं, और अभी मम्मी नहीं आई हैं, तो बस वो आ जाए सही हो जाए बस यही है। तो मम्मी चली गई थी, फिर उसके बाद जो है इनाया रोने लगी थी, फिर मैंने इसको सुला दिया था उस टाइम के लिए, और वो भी सिर्फ थोड़ी देर के लिए, सो मैंने मतलब सिर्फ अपना जो काम है वही ख़त्म कर पाया, सिर्फ खाना बना पाया और जो गैस वगैरह बस वो साफ करवाई, बर्तन तो फिर भी मेरे जमना रह गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, उठ गई थी तो मैंने वहीं खड़ा कर लिया था, मेरे आगे पीछे होती रही और मैं अपना काम करती थी। तो बस अभी मैं ऊपर आई हूँ, यहाँ की भी झाड़ू लगा लेती हूँ, और बस मम्मी का इंतजार कर रही हूँ, मम्मी आ जाए, और मम्मी और ये पापा तीनों जो है वहीं पर हैं, और ये भी अच्छा है आज ये लोग घर पर ही हैं, क्योंकि पापा भी घर पर है, नहीं तो पापा को भी कुछ कुछ काम लग जाते हैं वो भी चले जाते हैं। तो बस अभी मम्मी के लिए आप लोग दुआ करना, क्योंकि मम्मी की जो है बीच बीच में बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, वो बहुत ही मतलब हम सोच रहे थे कि ये ऑपरेशन वगैरह हो जाएगा तो उनकी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, बीच बीच में जो है इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है और उनको बहुत ज़्यादा जो है तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। तो जब घर में कोई परेशान रहता है तो हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि माँ बाप है, माँ बाप को कोई परेशानी होती है तो बच्चों को भी बुरा लगता है, तो आज इनका भी जो है मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो बस अभी देखते हैं क्या होता है, फिर आप लोगों को उससे जो है बताते हैं, तो अभी बस झाड़ू लगा लेती हूँ मैं। तो बस अभी जो है डॉक्टर के पास से मम्मी आ गई हैं, और थोड़ी देर हो गई है मम्मी को आए हुए, तो सबसे पहले मम्मी को जो है दवा वगैरह दी है उनको, 1 रोटी खिलाकर, क्योंकि सुबह नाश्ता उन्होंने अच्छे से नहीं किया था, तो इसीलिए पहले 1 रोटी खिलाई है दाल से, और बस उनको दवा वगैरह दे दी है डॉक्टर ने जो है, 5 दिन की दवा दी है, एक टेबलेट ही दी है उनको, और एक मतलब जो सूखी उपाय उपकाई आ रही है ना तो वो चूसने के लिए दवा टेबलेट दी है, तो बस 5 दिन की उनकी दवा रहेगी। और मैं यहाँ पर जो मम्मी की थोड़ी सी मालिश कर रही हूँ सिर की, और विक्स वगैरह लगा रही हूँ, उनकी पसलियों में जो है दर्द होने लगा है, क्योंकि सूखी उपकाई आ रही है ना पलटी वगैरह, तो हम जब खांसते हैं या फिर पलटी वगैरह करते हैं तो इंसान बहुत ही वीक हो जाता है, बहुत ही मतलब दर्द होने लगता है पसली वगैरह में, तो बस ऐसे ही मम्मी के हो रहा है। तो बस अभी विक्स लगाई है उनके, और यहीं पर उनका बिस्तर लगा दिया है, जिससे कि उनको सर्दी भी लग रही है थोड़ी सी, तो यहाँ पर धूप हमारे रूम में बहुत अच्छी आ जाती है, तो
नहीं, पर मम्मी थोड़ी देर लेट लेंगी तो आराम मिल जाएगा उनको, और मैं मालिश भी कर दे रही हूँ। इससे क्या थोड़ा सा उनको आराम लगेगा, क्योंकि मम्मी बहुत ही आज वीक फील लग रही हैं, क्योंकि वो इतनी मतलब परेशान हो चुकी हैं इस वजह से, इस उपकाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हैं, तो बहुत उनकी हालत बिगड़ी हुई लग रही है। तो बस अब ये जो है टोपा लगाई थी, तो मैंने पिक्स मल के उनका सिर दबा कर उसको बांध देती हूँ, जिससे क्या है उनके थोड़ा सा सिर में दर्द भी हो रहा था तो सही हो जाए, और धूप से थोड़ा सेक भी लग जाए तो अच्छा लगेगा उनको। और बच्चे भी यहीं पर खेल रहे हैं, और जितने डॉक्टरों पर जाओ उतनी ही दवा बढ़ जाती है, और वो दवाइयों से बहुत डरती हैं, क्योंकि काफ़ी सारी दवाइयाँ खाती हैं और इसी वजह से उनकी दवाई बढ़ती जाती हैं। तो बस अभी मैं आ गई पापा जी को खाना देने के लिए, तो मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या क्या बनाया। ये बनाया मैंने गाजर का हलवा, और आज मैंने बहुत ही अलग तरीके से बनाया है। और ये मैंने दाल बनाई थी मम्मी के लिए, और दूध गर्म हो रहा है, रोटियाँ बन गई हैं, और ये है सादा आलू की सब्जी, क्योंकि बैंगन का भरता ये खाती नहीं है, बैंगन का भरता बनाया ये मैंने। और जो दाल मम्मी के लिए बनाई थी, तो उसमें से थोड़ी सी दाल में मैंने तड़का लगा दिया है मिर्च वगैरह डाल के, क्योंकि मम्मी की तो बिल्कुल सिंपल सी बनाई है। और ये मैंने टमाटर की लौंजी बनाई है, जो कि पापा जी को और मुझे अच्छी लगती है। और ये दलिया मैंने सुबह बनाया था, तो मम्मी ने तो खाया नहीं है, ऐसे कैसे ही रखा है ये। तो बस अभी मैंने पापा के लिए खाना निकाल दिया है, और आज मैंने गाजर का हलवा इतने अलग तरीके से बनाया ना, कि बस उसको मिक्सी में पीसा और दूध में उसको गला लिया है। तो अभी जो है शाम का टाइम हो गया है, और पापा जी लेकर आए मम्मी के लिए ये गर्म पानी के लिए, मतलब जो पीने के लिए पानी गर्म करती हूँ ना मैं बार बार, तो काफ़ी लोग बोल भी रहे थे कि आप लोग ये ले लेना, या फिर गर्म पानी करने का जो जगह आता है वो ले लेना। तो पापा जी जो है ये लेकर आ गए हैं, हॉट वाटर जग बोलो इसको या थर्मस बोलो, और ये सेलो कंपनी का है और बहुत ही प्यारा सा है, ऐसा जो है भैया के पास भी है। और मैं इसमें देख रही हूँ, और इन्नू भी जो है देख रही है इसको, और ये जो है अच्छे रहते हैं, और इनमें पानी जो है ज़्यादा क्वांटिटी में आता है, एक साथ गर्म करके पानी इसमें भर के रख दो तो काफ़ी टाइम के लिए हो जाता है। तो बस अभी जो है मैं इसको धोकर और गर्म पानी भर के रख देती हूँ। इसको पहले मैं खोल कर देख लेती हूँ कि ये कैसे खुलेगा, क्योंकि पहले तो मैं सोच रही थी ये पूरा ढक्कन ही खुलेगा, लेकिन ये पूरा ढक्कन नहीं खुला है, सिर्फ ऊपर से ये ऐसे घुमा कर और ऊपर उठाना है, और अंदर से ये एक कटोरी निकली है, मतलब कटोरी बोलो या ढक्कन, जो मतलब कहीं पर अगर सफ़र में ले आते तो इससे पानी पी सकते हैं इसलिए। और मैं इसको अंदर से देख रही हूँ, और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में पानी आएगा इसका, ये शायद 5 लीटर का होगा, मैंने लीटर नहीं देखा है सॉरी। और इसकी मुझे अभी प्राइस भी नहीं पता है, क्योंकि पापा जी लेकर आए हैं तो इसलिए प्राइस नहीं पता। तो बस अभी मैंने पानी गर्म करने रख दिया था, मम्मी को दिखाया पहले मैंने कि ये लेकर आए हैं पापा, और फिर उसके बाद मैंने इसको धोया है, और इन्नू जो है दादी के पास ही खेल रही है, और मैं अब इसमें पानी जो है गर्म करके भर दिया है, तो मैं ढक्कन लगा देती हूँ इसका। आज का ब्लॉग मैं इसी के साथ एंड करती हूँ, तो आप लोग प्लीज़ मम्मी के लिए दुआ करें कि मम्मी जल्द से जल्द सही हो जाए, और उनकी हालत में बहुत जल्दी जो है फ़र्क दिखाई दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ में है वो। तो प्लीज़ दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।